इन दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वृद्धा पेंशन के पैसे का इंतजार है और अभी तक आपको अप्रैल मई जून का पैसा नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि अगर आप भी वृद्धा पेंशन के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो वृद्धा पेंशन के पैसे का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, आपको कैसे पता करना है कि आपके अकाउंट में पैसा, वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो आया है कि नहीं आया, सब कुछ इस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पैसा नहीं आया तो कैसे आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो को कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो आपको दो काम करने पड़ेंगे। दो काम में से सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना। जैसे ब्राउजर को ओपन करिएगा, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा वृद्धा पेंशन। उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी लिख देंगे। आपको जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको उतना लिख देना है और जो पहला लिंक देखने को मिलता है आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी आपका पोर्टल, जिसे आप जिस स्टेट से आप रहेंगे, आप अपने स्टेट पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखें तो वृद्धा पेंशन योजना, तब इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है स्वीकृति, अस्वीकृति, स्वीकृति, अस्वीकृति, लेकिन यहाँ आपको देखें पी एफ एम एस इससे खाता सत्यापन। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान दे देना, उसके बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे आपको देखने मिलता है वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप, इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का लॉगिन कर सकते हैं, पात्रता की जांच भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको देखने को जाएगा पेंशनर सूची, अगर आप सूची में अभी तक नाम नहीं चेक किए हैं कि आपका सूची में नाम है या फिर कट गया है, तो सबसे पहले तो आपको अपने सूची में नाम चेक कर लेना है। 2022-23 जो है पेंशन सूची लिखा हुआ है उसमें आपको क्लिक करना, अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने में अपने गांव को सिलेक्ट करिएगा, वहां से आपका लिस्ट ओपन हो जाएगा। लिस्ट में देख लेना है कि आपका यहां पे नाम अभी तक है या नहीं है। अगर नाम कट गया रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो सबसे पहले आपको नाम चेक कर लेना है। नाम चेक करने के बाद आपको पैसा कैसे चेक करना लाइव हम आपको दिखाने वाले, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक भी स्टेप को मिस मत करिएगा। तो चलिए एक नया, फिर से नया ब्राउजर को ओपन कर लेना। पहले आपको अपने लिस्ट में नाम चेक कर लेना है। नाम चेक करने के बाद एक नया टैब को ओपन कर लीजिएगा। नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा PFMS। ठीक है, आपको PFMS लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक देखने को मिलता है PFMS.NIC.IN, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है नो योर पेमेंट का एक ऑप्शन, आपको नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ बैंक का नाम टाइप करना है, जो भी आपका बैंक का नाम होगा कुछ वर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है, सेंड ओटीपी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं जब यहाँ पे नाम आप टाइप करने लगेगा तो यहाँ आपका लिस्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको पूरा नाम लिख नहीं देना है, आपको यहाँ से अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमें देख सकते हैं पूरा डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप कर लीजिएगा, कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप करिएगा, कैप्चा कोड टाइप करिएगा, सेंड ओटीपी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। यदि आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं कैसे आपको यहाँ पे करना होगा। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल नंबर, आपको 3 डिजिट देखने को मिलेगा, इस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है, टाइप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं ओटीपी हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, 1 मिनट में आपको वीडियो को पॉज नहीं करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी आया 3271, आपको इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर लेना है। ठीक है, टाइप करने के बाद नीचे आप देखिएगा यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिल जाएगा, पूरा डिटेल देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ आपको नीचे आना, नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखते हैं वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धा पेंशन या फिर किसान पेंशन योजना, दो ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, उनका नाम भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको पेमेंट भी देखने को मिल जाएगा, 3000 रुपये आया हुआ है और यहाँ पे स्टेटस जो है उसका सक्सेस हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा क्रेडिट, आपको यहाँ पे क्रेडिट डेट भी देखने को मिल जाता है 22/3/2023, 27/1/2023। मतलब ये है कि अभी अब इनको भी मार्च के बाद अभी पैसा नहीं मिला है, तो अभी कुछ ही राज्य में पैसा, मतलब
कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में पैसा मिला हुआ है, कुछ ही राज्य में पैसा मिला हुआ है, तो किस राज्य में मिला हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है, तो आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे आपको पहले यहाँ से पैसा चेक कर लेना। पैसा चेक करने के बाद वीडियो में जरूर कमेंट करेगा कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको पैसा अभी तक मिला है कि नहीं मिला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।